SBS वर्सेस GAT मैच नंबर 2 KCC T20 चैलेंजर कप खेला जाएगा भाई। यहाँ पर दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सलेक्शन आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा लेकिन वो परफॉर्मेंस काफ़ी हाई दे सकते हैं। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में पता लगेगा, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा अगर आप इस मैच में विनिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 34 लाख कि आपके लिए ग्रैंड लीग लगी हुई है। इस GL कॉन्टेस्ट के लिए मैं आपको 4 स्पेशल GL की टीम प्रोवाइड करवाने वाला हूं, लेकिन वो कब, जब आप भाई टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करोगे, साथ ही साथ वीडियो पर भाई आप 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दोगे तो भाई मैं आपको 4 ग्रैंड लीग की टीम भी प्रोवाइड करवा दूंगा। स्मॉल लीग की टीम आपको अभी वीडियो में बना के दिखा दूंगा, बट दोनों ही टीम्स का पहला मैच है, तो अगर भाई कोई चेंजमेंट होता है टीम में या कोई छोटा मोटा अपडेट आता है तो वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में। मैच की टाइमिंग की बात करें तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से रात को 10 बजे मैच खेला जाएगा। वहीं अगर बात करें भाई वेन्यू की तो सुलेबा क्रिकेट ग्राउंड पर मैच होने वाला है और यहां पर कैसी ग्रीनिश पिच है ये मैंने आपको लास्ट मैच की वीडियो में भी दिखाया था। यहां पर अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो अगेन भाई सेम पिच रिपोर्ट रहेगी। पिच यहां पर एक्सपेक्टेड है कि न्यूट्रल रहेगी, थोड़े से एक्स्ट्रा एडवांटेज के साथ, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज पेस बॉलर्स के साथ रहेगा, ठीक है। पेस बॉलर्स यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी आपको बताऊंगा कौन स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा, कौन डेथ में बॉलिंग करेगा, कौन यहां पर भाई पेसिंग डिपार्टमेंट संभालेगा, सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहां पर वेदर की बात करें तो वेदर यहां पर ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि क्लाउडी रहेगा, बट बारिश के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, यहाँ पर आया भाई आपके सामने प्रोबेबल प्लेइंग 11, बट जो फाइनल प्लेइंग 11 है ना वो आपको भाई आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स टेलीग्राम चैनल पर पता लग जाएगी। SBS की बात करें तो यहाँ पर लखविंदर सिंह आपको दिखेंगे, बिंट सिंह आपको दिखेंगे इनके साथ, इसके अलावा रियाज मनाफ आपको दिखेंगे, इसके अलावा बात करें तो भाई यहाँ पर टी कथव नारायण आपको दिख जाएंगे, नवप्रीत सिंह आपको दिखेंगे, सुखविंदर सिंह आपको दिखेगा, गुरविंदर सिंह आपको दिखेगा, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा भाई, गुरविंदर सिंह, मनदीप लाल आपको दिखेगा, निर्मल सिंह, यूसुफ मोहम्मद आपको दिखेगा, सतिंदर जीत आपको दिख जाएगा। GAT की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो लोकेश शर्मा यहां से आपको दिखेंगे, इसके अलावा आपको शिवराज रामचंद्रन दिख जाएंगे, वहीं अगर आप देखो तो महेश राधाकृष्णन आपको दिखेंगे, नितिन सैमुअल की बात करें तो अगेन आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। बात करें अगर यहां पर भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए सेक्शन रहेगा ऑलराउंडर सेक्शन, वहां पर आपको अरोमल शिवकुमार दिखेंगे, दीपक विजयन दिखेंगे, अरुण वडक्का दिख जाएगा, इसके अलावा शरद वासुदेव, निगेल डिसूजा, इसके अलावा यहां पर भाई सोजेस आपको दिख जाएंगे। इस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भाई पेस बॉलर्स रहेंगे, अभी आपको बताने वाला हूं पेस बॉलर्स के भी बारे में। यहां पर भाई लास्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर भाई अंसर अशरफ आपको दिख जाएंगे। अब यहां पर SBS की प्रोबेबल जो टीम अपडेट है, मेन मेन प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप जान लीजिए, ठीक है। यहां पर आप देखिए लखविंदर सिंह के साथ बैंट सिंह ओपन करते आपको नजर आएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है रियाज मनाफ ओपन करने आज आ जाए और बैंट सिंह नीचे आ जाए, बट लखविंदर सिंह के हाई चांसेस है कि ये आपको ओपन में ही दिखेंगे। इसके अलावा रियाज मनाफ वन डाउन बैटिंग करेगा और यहां पर है ना ये जो टेक्निकली बैट्समैन होते हैं ना, टेक्निकली साउंडेड बैट्समैन जो लंबी पारियां खेल सकते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो उसमें आप इन्हें गिन सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर अगर आप देखो तो भाई कथव नारायण और नवप्रीत सिंह मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, प्लस कुछ ओवर की गेंदबाजी आपको दे सकते हैं। इसके अलावा भाई कथव नारायण की बात करें तो यह आपको विकेट कीपिंग भी करता नजर आ जाएगा। यूसुफ मोहम्मद और सतिंदर जीत ये भाई टीम के दोनों मेन पेस बॉलर है, तो इनके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करवाती है, SBS की टीम पहले बॉलिंग करवाती है, यूसुफ मोहम्मद और सतिंदर जीत दोनों आपके लिए GL मिनी GL में CVC के तगड़े दावेदार रहेंगे। बात करें GAT की टीम की तो लोकेश शर्मा के साथ शिवराज रामचंद्रन ओपन करते हैं आपको नजर आ सकते हैं, महेश राधाकृष्णन वन डाउन पर बैटिंग करेंगे, इसके अलावा नितिन सैमुअल और अरोमल शिवकुमार मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते दिखेंगे, प्लस कुछ ओवर की गेंदबाजी करते दिख जाएंगे। लोकेश शर्मा भाई यहां पर विकेट कीपिंग आपको करते नजर आ जाएंगे। सोजो वथप्रबील सजीवन और अंसर अशरफ यह आपके लिए भाई पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालने वाले हैं, तो ये वो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे।
करेंगे। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो चलिए आपको टीम बना के दिखाते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, टीम तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन जो मेरी फाइनल टीम रहेगी ना भाई, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ना मेरे भाई, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भाई बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो चलिए भाई डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब चलिए भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं जो टीम है उसके बारे में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अब देखिए, यहाँ पर आपको लोकेश शर्मा विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेगा जो ओपन करता नजर आएगा। लखविंदर सिंह भी ओपन करता नजर आ जाएगा। मैं अभी के लिए अपनी टीम में लखविंदर सिंह को ले रहा हूँ, हालांकि दोनों ही विकेट कीपर अच्छे हैं, बट अब मैं अभी के लिए लखविंदर सिंह को ले रहा हूँ। आप चाहो तो लोकेश शर्मा को भी अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। तो नारायण ये भाई आपको विकेट कीपिंग करते नजर आ जाएंगे SBS की टीम से, बट मैं अभी के लिए लखविंदर सिंह को टीम में रख रहा हूँ। बैंट सिंह को आप ओपन में अपनी टीम में रख सकते हो, बट अभी के लिए मैं इन्हें नहीं रख रहा हूँ। अगर देखिए इनकी सेकेंड बैटिंग आती है ना SBS की, तो मैं इन्हें ट्राई करूंगा, अदरवाइज मैं इन्हें अपनी टीम में नहीं रखूंगा। आर मनफ को भाई मैं अपनी टीम में जरूर रखने वाला हूं। अगेन भाई मैंने आपको बताया था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा एस रामचंद्रन अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस कुछ ओवर की यहां पर भाई गेंदबाजी भी आपको करके दे सकता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। एम राधा कृष्णन को आप अपनी टीम में रख सकते हो, अगेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं यहां से। बाकी यहां से मैं अभी के लिए किसी को ट्राई नहीं कर रहा हूं। हां अगर आप चाहो तो अंसार यूनुस को अपनी टीम में रख सकते हो। अगर आप मतलब कहीं से भी ये कंफर्म न्यूज मिलती है ना कि ये बॉलिंग करवाएंगे अंसार यूनुस, तो मैं इन्हें अपनी टीम में ट्राई करूंगा, अदरवाइज मैं ड्रॉप करके चल दूंगा। गुरविंदर सिंह मेरी टीम में 101% रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो दीपक विज्ञान हमारी टीम में 101% रहेंगे। दोनों के दोनों तगड़े प्लेयर है, दोनों को मैं अपनी टीम में रखूंगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आपको जो एस सिंह दिखेंगे, सुखविंदर सिंह दिखेगा जो अगेन आपके लिए बॉलिंग बैटिंग दोनों करते नजर आ जाएंगे, तो इन्हें भी मैं अभी के लिए अपनी टीम में रख रहा हूँ। बात करें अगर यहाँ पर भाई बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर जो यूसुफ मोहम्मद है ये हमारी टीम में 100% रहेंगे। एस जीत हमारी टीम में रहेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो सुजय स्वतफल हमारी टीम में रहेंगे। और इसके अलावा भाई यहाँ पर जो अंसार अशरफ है इन्हें मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। हाँ अगर आप चाहो तो अंसार अशरफ की जगह पर या तो आप अपनी टीम में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हो, जैसे कि बैंट सिंह आपकी टीम में हो गया, या फिर आप यहां से रख सकते हो लोकेश शर्मा को, ये चेंज आप कर सकते हो। हालांकि अभी के लिए मैं नहीं करने वाला, मैं अंसार अशरफ के साथ ही जा रहा हूं। CVC की बात करेंगे तो जो कैप्टनसी है ना वो यहां से भाई मैं देने वाला हूं डी विजयन को। और VC की अगर बात करें तो VC अभी के लिए भाई मैं यहां से देने वाला हूं गुरविंदर सिंह को। बाकी अगर आप चाहो तो CVC को रोटेट भी कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं यहां से भाई डी विजयन को कैप्टन दे रहा हूं और सुखविंदर सिंह को VC दे रहा हूं। टीम के प्रीव्यू की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर है। अगेन भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, बट फिर भी अगर कोई चेंजमेंट होता है या कोई प्लेयर नहीं खेलता, कोई नया प्लेयर खेलता, तो वो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर 50 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं वीडियो की मतलब इस वीडियो पर, तो भाई आपको 4 ग्रैंड लीग की टीम भी मैं लाइनअप्स आने के बाद टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।